आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यस स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि न्यूरल सिग्नल्स थ्रू द सेंपेटरी नर्व पार्ट ऑफ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इंक्रीजेस कार्डियक आउटपुट बिकॉज ऑफ। ठीक है, तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में हम लोगों को पता है कि दो पार्ट होते हैं। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, एक सेंपेटरी नर्वस सिस्टम होता है, एक पैरासेंपेटरी नर्वस सिस्टम होता है। स्पेशली आपसे पूछा किसके बारे में गया, इधर सेंपेटरी नर्वस सिस्टम के बारे में पूछा है। ठीक है, तो सेंपेटरी नर्वस सिस्टम करता है रेट ऑफ हार्ट बीट को बढ़ाता है। ठीक है, इसका काम क्या है, हार्ट बीट को बढ़ाना। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को ज्यादा तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करे, स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन करे, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी क्या करता है, बढ़ाता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, कार्डिक आउटपुट पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि कार्डिक आउटपुट की कैलकुलेशन में हमें पता है कि कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट। अब यहाँ पे मैंने आपको दोनों चीजें बता दी। देखिए, हार्ट बीट भी बढ़ रही है इधर, और स्ट्रोक वॉल्यूम पर कार्डिक साइकिल कितना वेंट्रिकल, मतलब कितना ml ऑफ ब्लड पंप हो रहा है बाय ईच वेंट्रिकल, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो ओवरऑल क्या होगा, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन वन और ऑप्शन टू दोनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।